प्रकृति के सौंदर्यकरण के लिए देश एवं प्रदेश की सरकारें शासन प्रशासन के माध्यम से विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। वही क्षेत्र की समाजसेवी संस्थाएं भी इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही हैं। विंध्यवासिनी कंपनी क्षेत्र में जनहित के निरंतर कार्य कर रही है। इसी श्रृंखला में आज तहसील कार्यालय प्रांगण में पौधों से भरी वाहनों को SDM कलावती व्याड़े, जिला माइनिंग अधिकारी OP बघेल के नेतृत्व में विंध्यवासिनी कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों की मौजूदगी में हरे भरे वृक्षों से वाहनों को झंडी दिखाकर ग्राम पंचायतों की ओर रवाना किया गया। 6000 पौधे ग्राम पंचायतों की सहभागिता से पंचायतों के आसपास के क्षेत्र में पौधारोपण किए जाएंगे। विंध्यवासिनी कंपनी का ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। वृक्षारोपण करने जा रही है, पूरा मिशन क्या ये खनिज विभाग के अंतर्गत इनकी रेत खदान स्वीकृत है, जिसका ठेका विंध्यवासिनी कंपनी को मिला हुआ है। क्योंकि CSR में प्रावधान रहता है कि जनहित के कार्य करेंगे, तो उसके अंतर्गत अभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा था। तो विंध्यवासिनी कंपनी के द्वारा लगभग 6000 पौधे जो है पंचायतों को सुपुर्द किए जा रहे हैं, और ये लगभग 2 साल तक इनकी देखरेख करेंगे और इनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की है। जो हमारे यहाँ रेत का ठेका है, तो उसमें जो CR की कार्रवाई होती है, तो इसी के शर्तों के अंतर्गत आता है। उसमें वृक्षारोपण भी एक कार्य होता है। तो इस अभी जो चूंकि बरसात का सीजन है, इसमें 6000 पौधे पंचायतों के माध्यम से लगाए जाएंगे, और उसके बाद और डेवलपमेंट के काम इसके अच्छी भी करते जाएंगे।